घड़ी के डेढ़ बजते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी बदल के रख दी। इस सन्नाटे का कारण थी वो 6 गोलियां जिसने लोगों के लिए मुंबई पुलिस को एक रक्षक से राक्षस में बदल दिया था। सदक्षिणाएं खल निग्रणाएं, मुंबई पुलिस का ये मोटो है, जिसका मतलब है बेकसूरों की रक्षा और बुराई का विनाश। पर क्या हो अगर इस विनाश के लिए मुंबई पुलिस को वो राक्षस बनना पड़े जो मुंबई पर छाए अंधेरे से भी ज्यादा डरावना हो? क्या हो अगर जनता के रक्षकों से जनता ही डरने लगे? ये कहानी है उस 11 जनवरी 1982 की दोपहर की, जब मुंबई पुलिस ने अपना पहला ऑफिशियल एनकाउंटर किया। ये कहानी है मान्या सुरवे की, जिसकी दहशत ने कानून को एक राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया। मनोहर अर्जुन सुरवे उर्फ मान्या सुरवे वो शख्स था जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भौकाल मचा दिया था। मुंबई शहर सपनों की दुनिया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की भी। इस क्राइम को ऑर्गेनाइज रखने वाले मुंबई के पहले 3 डॉन्स हाजी मस्तान, वर्दराजन मुदालियार और करीम लाला कहते हैं इनके समय में मुंबई का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सबसे पीसफुल था। अजीब लगता है ना, पर 1950 से 70s तक पठान गैंग इस बात को बदल रहे थे। इस बढ़ती फोर्स के अगेंस्ट खड़े हुए दो भाई सबीर इब्राहिम कास्कर और उसका छोटा भाई दाऊद इब्राहिम कास्कर। यहीं से मुंबई का गैंग वॉर शुरू हो रहा था। ये राइवलरी इतनी बढ़ गई थी कि हाजी मस्तान ने बीच में आकर सुलह करवाने की कोशिश की, जिसके बाद चीजें ऊपर ऊपर से थोड़ी शांत हुई, पर ये राइवलरी अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम की राइवलरी की कहानी हम पिछले एपिसोड में कवर कर चुके हैं, पर इस बढ़ती राइवलरी के बीच कहीं से एक नाम उभर कर आता है, मान्या सुरवे। कई लोग मान्या सुरवे भी कहते हैं। 9 साल जेल की सजा काटने के बाद जेल से फरार हुए मान्या की एक ही गोल थी, अंडरवर्ल्ड। यही मान्या सुरवे आगे जाकर मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी बदलने वाला था। पर मान्या हमेशा से कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो तो कीर्ति कॉलेज के केमिस्ट्री कोर्स का एक आम अंडरग्रेड स्टूडेंट था। उसकी क्रिमिनल जर्नी शुरू हुई जब उसे एक मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया गया। मान्या का सौतेला भाई भार्गव सुरवे उर्फ भार्गव दादा एक बूटलेगर हुआ करता था, और मान्या धीरे धीरे अपने भाई की एक्टिविटीज में पार्ट लेना उसने शुरू कर दिया। इसी के चलते भार्गव सुरवे को एक बिजनेसमैन के मर्डर में अरेस्ट कर लिया गया था। अपने भाई के साथ मर्डर में शामिल होने के जुर्म में मान्या सुरवे को भी अरेस्ट कर लिया गया था, और उसे भी 14 साल की सजा सुनाई गई। यरवड़ा जेल में मान्या सुरवे एक हार्डन्ड क्रिमिनल बनता जा रहा था। आए दिन उसे दूसरे प्रिजनर्स के साथ में झगड़े होने लगे थे, पर उसकी सबसे बड़ी राइवलरी थी सुभाष भटकर उर्फ पोटिया भाई के साथ। इसी राइवलरी के चलते मान्या को रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। रत्नागिरी जेल में मान्या ने चली अपनी चाल। मान्या कई हफ्तों से भूख हड़ताल पे था, हंगर स्ट्राइक, ये कहते हुए कि भाई वो इनोसेंट है और उसे फंसाया गया है। इस हड़ताल की वजह से मान्या का 18 से 20 किलो वजन कम हो गया, और जिससे उसकी हालत बहुत खराब होने लगी, और उसे एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पर जेलर्स को ये नहीं पता था कि मान्या ये सब प्लान करके कर रहा है। हॉस्पिटल में मौका पाते ही मान्या सुरवे 14 नवंबर 1979 को 9 साल की सजा काटने के बाद फरार हो गया। जेल से भागने के बाद मान्या के पास ऑप्शन था कि वो एक नई लाइफ शुरू कर दे, पर अब मान्या एक क्रिमिनल बन चुका था और उसे एक ही चीज चाहिए थी, पावर। वो चाहता था कि लोग उसके नाम से डरें। जेल से भागने के बाद मान्या ने मुंबई में हर गैंग में शामिल होने की कोशिश की। उस समय गैंग्स रिलीजियस यूनिटी पर चलती थी, और एक हिंदू होने की वजह से मान्या को किसी भी गैंग में जगह मिल ही नहीं पाई। इसी के चलते मान्या ने 10-12 लोगों को जमा करके अपनी खुद की गैंग बनाई, जिसमें उसके खास दोस्त शेख मुनीर और बाजीराव बाजिया पाटिल उसके खास सोल्जर्स थे। मान्या का पहला क्राइम हुआ 5 अप्रैल 1980 को, जब उसने एक चोरी की हुई एम्बेसडर कार से एक बैंक में डाका डाला। धीरे धीरे मान्या के कारनामे और भी खतरनाक होते चले गए। 30 अप्रैल 1980 को मान्या ने 2 पुलिस कांस्टेबल्स को स्टैब किया। अगले 2 सालों तक मान्या सुरवे ने मुंबई की सड़कों पर इतनी दहशत मचाई कि अब वो मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाना माना नाम बन गया था। बैंक रॉबरी से लेकर एक्सट्रॉर्शन, रैंसम और मर्डर, मान्या ने सबसे ज्यादा वायलेंट क्राइम्स किए। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता मान्या उसे जान से मार देता। कहते हैं कि मान्या को ना सुनने की आदत नहीं थी, चाहे वो अपने दोस्तों से क्यों ना हो। यही हुआ जब मान्या ने अपने 2 दोस्त पापी पाटिल और अशोक मस्तकार से पैसों की मांग की, और उनके मना करने पर मान्या ने उन्हें एक भयंकर सजा दी। 1979 की एक शाम माहिम में एक जिम में मान्या चलता हुआ आया। जिम में काफी भीड़ थी, और मान्या उस भीड़ में अपनी पर्सनालिटी की वजह से स्टैंड आउट कर रहा था। अपने अर्ली 30s में मान्या की फिजीक काफी बढ़िया हुआ करती थी। लंबा चौड़ा आदमी एक टाइट टी शर्ट में बिल्डिंग बाइसेप्स और फोरआर्म के साथ में जब जिम में एंटर करता है, तब सबकी नजरें उस पर होती है। सब उसे एक्सरसाइज करते देखने का इंतजार कर रहे थे।
पर मान्या का इरादा कुछ और था। उसकी आंखें चारों ओर किसी को ढूंढ रही थी और फिर उसकी नजर पड़ी पाटिल पर, और तब तक पाटिल की नजरें भी उस पर पड़ चुकी थी जिससे वो ऑलरेडी डरा हुआ था। मान्या पाटिल के पास गया, उसकी आंखों में गुस्सा था और पाटिल की आंखों में डर। देखते ही देखते मान्या ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, एक रिवॉल्वर निकाला और बिना एक भी पलक झपकाए पाटिल के दोनों पैरों में गोली मार दी और फिर आसपास डरे हुए लोगों से नजरें मिलाई और चुपचाप चल दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मस्तकार के साथ भी ऐसा ही एक भयानक अंजाम हुआ। मान्या शेख और बाजीराव जबरदस्ती उसके घर में घुस गए और उसे बुरी तरह मारा। मस्तकार की बेटी को चाकू की धार पर सब कुछ देखने पर फोर्स किया और जाते जाते मस्तकार के चेहरे पर मान्या ने एसिड फेंक दिया जिससे उसका पूरा चेहरा उसकी बेटी की आंखों के सामने पिघल गया। मान्या अपने साथ हर समय एक एसिड की बोतल रखता था। उस समय मान्या के गुस्से से सब डरते थे, कोई भी उसके सामने आने की जरूरत नहीं करता था। अपने साथ वो हर समय एक रिवॉल्वर, एक चॉपर, एसिड की बोतल और हैंड ग्रेनेड्स रखता था। कुछ लोग कहते हैं कि मान्या सुरवे एक थैली में हैंड ग्रेनेड्स लिए ऐसे घूमता था जैसे वो बॉम्ब नहीं फ्रूट्स हो। ये भी कहा जाता है कि मान्या गालियां बहुत देता था और सबसे ज्यादा गालियां वो पुलिस को देता था। मान्या को सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से थी तो वो पुलिस थी। इसी के चलते मान्या का खौफ का सबसे बड़ा शिकार हुए इंस्पेक्टर ईएस दाबोलकर, जिन्होंने उसे अरेस्ट किया था। जेल से भागने के बाद मान्या दाबोलकर के घर गया जब वो काम पर थे और उसकी फैमिली को धमकी दी कि वो उसे जान से मार देगा। इसी के साथ रेगुलरली मान्या उन्हें फोन पर धमकियां देकर टॉर्चर करता था। दाबोलकर मान्या की धमकियों से इतना डरे हुए थे कि रिटायरमेंट लेने के बाद दाबोलकर ने अपना हुलिया बदल लिया ताकि मान्या उन्हें पहचान ही ना पाए। अपनी इसी रेपुटेशन की वजह से मान्या पठान गैंग की नजरों में आया, जिन्होंने उसे दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर इब्राहिम कास्कर को मारने की सुपारी दी। दाऊद के भाई को मारने के पीछे मान्या के अपने रीजंस भी थे। दाऊद गैंग मान्या के लिए कंपटीशन थी और मान्या को लगता था कि दाऊद गैंग को साफ करके वो अपना खौफ और ज्यादा फैला सकता है। कहते हैं कि मान्या जेम्स हार्डली चेज, एक फेमस थ्रिलर राइटर का बहुत बड़ा फैन था। वो उनके बुक्स से इंस्पिरेशन लेकर अपनी रॉबरीज और क्राइम को स्ट्रेटेजाइज करता था। उसने यही किया साबिर इब्राहिम का मर्डर करने के लिए। साबिर और उसकी गर्लफ्रेंड चित्रा साथ एक हसीम शाम गुजारने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर निकले। साबिर ने यूं ही जब रेयर व्यू मिरर में देखा तो उसकी नजर पड़ी एक फूलों से सजी हुई व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी पर, उसके पीछे चल रही थी। लेकिन क्योंकि वो गाड़ी फूलों से सजी हुई थी तो साबिर को लगा कि ये किसी न्यूली वेड कपल की गाड़ी होगी, पर उसे ये नहीं पता था कि उस गाड़ी में कोई दूल्हा दुल्हन नहीं बल्कि मौत के सौदागर उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। अचानक साबिर की नजर पड़ी फ्यूल टैंक पर जो अब खाली हो रहा था। काफी देर तक वो एक पेट्रोल पंप की तलाश में थे पर उनकी नजर में आया कि वो एम्बेसडर गाड़ी अभी तक उनके पीछे ही है। कार में ममूर खान, अमीर ज़ादा, आलमज़ेब, मान्या सुरवे थे और कुछ और लोग थे जो डबल बैरल असॉल्ट गन्स, रिवॉल्वर्स, चॉपर्स लिए सबीर को मौत के घाट उतारने का मौका ढूंढ रहे थे। पर सबीर इन सबसे अनजान था। उसको फाइनली एक पेट्रोल पंप मिला और उसने गाड़ी अंदर ली। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी रुकाई और गाड़ी से बाहर निकला, उसकी नजर पड़ी उस एम्बेसडर पर जो अब तक जोर का ब्रेक लगाकर रुक चुकी थी। उसने चित्रा को भागने को कहा और हाथ बढ़ाया ग्लव कंपार्टमेंट की तरफ अपनी गन निकालने के लिए, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इतने में उस सफेद एम्बेसडर में से 5 आम लोग बाहर निकले और गाड़ी पर गोलियां बरसाना शुरू कर चुके थे। चारों ओर से गोलियां बरस रही थी। गाड़ी की विंडशील्ड टूट चुकी थी और साबिर की बॉडी में गोलियां धस चुकी थी। जैसे ही साबिर की लाश जमीन पर गिरी, उन 5 में से एक आदमी ने अपनी पॉकेट में से एक रामपुरी चाकू निकाला और साबिर इब्राहिम कास्कर की कलाई काट दी। वो ऑलरेडी मर चुका था पर उसकी बॉडी का बचा कुचा खून भी उस कलाई से बहता जा रहा था। उस रात उस पेट्रोल पंप पर कितनी गोलियां बरसाई गई इसका हिसाब तो अभी तक नहीं है, पर ऑटोप्सी में साबिर की बॉडी में 9 गोलियां एक्सट्रैक्ट की गई और उसकी गाड़ी से 19। साबिर कास्कर की मौत बॉम्बे पुलिस रिकॉर्ड में माफिया की सबसे भयानक किलिंग में से एक थी। इस एक रात ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी को बदल कर रख दिया क्योंकि साबिर की मौत के बाद दाऊद को काबू कर पाना नामुमकिन था। दाऊद का अब एक ही मकसद था, खून के बदले खून। यहीं से सिलसिला शुरू हुआ मुंबई के सबसे भयानक गैंग वॉर का। आए दिन शूटिंग्स की खबरें आया करती थी, आए दिन मुंबई की सड़कों पर खून बहा करता था। गैंग वायलेंस का काला साया अब मुंबई पर छा चुका था और मुंबई पुलिस की पावर्स पर क्वेश्चन उठना शुरू हो रहे थे क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं मिलता था और कोई विटनेस भी नहीं मिलता था। अगर मिल भी जाए तो कुछ ही टाइम में वो क्रिमिनल बेल पर छूट जाता था। धीरे धीरे बॉम्बे पुलिस का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था और ये फ्रस्ट्रेशन टूटा जब मुंबई पुलिस ने डिसाइड कर लिया इनफ इज इनफ। वो क्रिमिनल्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे और इसी डिसीजन के साथ मान्या की तलाश शुरू हुई। मान्या के शागिर्द एक के बाद एक पुलिस के हाथ आ रहे थे पर मान्या उनकी पकड़ से बचता रहता था। कहते हैं मान्या बहुत पैरानॉइड था, वो अपनी मूवमेंट्स अपने सबसे करीबी सोल्जर्स को भी नहीं बताता था। शायद इसीलिए
वो कई महीनों तक पुलिस से बचा रहा, पर एक लड़की का प्यार ही था जिसने मान्या को अपने घुटनों पर ला दिया। एक दिन क्राइम ब्रांच की टीम को टिप मिली थी। खबर ये थी कि 11 जनवरी 1982 की दोपहर 1:30 बजे मान्या सुर्वे एक टैक्सी लेकर वडाला के अंबेडकर कॉलेज आने वाला है अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने के लिए। 10 जनवरी 1982 को पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और अगली सुबह होते ही प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। अंबेडकर कॉलेज के लिए किसी आम दिन से अलग नहीं था। चारों ओर स्टूडेंट्स और लोगों की भीड़, टैक्सियों का आना जाना काफी आम एक्टिविटी। पर इन्हीं लोगों के बीच इंस्पेक्टर इसाक भागवान, राजा तांबट, सीनियर इंस्पेक्टर YD भीड़े और 15 क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स टी-शर्ट जींस पहने हुए छुपे हुए थे। करीब 20 मिनट के बाद 1:30 बजे मान्या सुर्वे एक टैक्सी से निकलता हुआ दिखाई दिया। सबकी नजर उस टैक्सी पर थी। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर ने कंफर्म किया कि वो मान्या है, उन्होंने अपनी पिस्टल्स निकाली और मान्या को सरेंडर करने को कहा। मान्या ने गालियां दी और अपनी पॉकेट में रखी हुई माउजर पिस्तौल निकाली और उसे भागवान और तांबट की तरफ पॉइंट किया, जो डायरेक्टली उसके सामने खड़े थे। इसके रिटेलिएशन में भागवान और तांबट दोनों ने बिना पलक झपकाए अपने रिवॉल्वर्स फायर की और मान्या की चेस्ट में 3-3 गोलियां मारी। मान्या सुर्वे, मुंबई का पढ़ा लिखा गैंगस्टर जिसने कुछ ही समय में मुंबई पुलिस और मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी दहशत मचाई थी, वो अब अपने जख्मों के चलते घुटने टेक चुका था। पर 6 गोलियां लगने के बाद भी मान्या सुर्वे जिंदा रहा। उसे एक एम्बुलेंस में डाला गया और सायन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे डेड ऑन एडमिशन डिक्लेयर कर दिया गया। 1969 में मान्या का अरेस्ट होना और 1982 का एनकाउंटर ही वो दो इवेंट्स हैं जब मान्या और पुलिस का आमना सामना हुआ था। इतने सालों तक इतनी कोशिशों के बाद भी मान्या पुलिस के हाथ नहीं आया था। इस एनकाउंटर के पीछे कई कॉन्ट्रोवर्सीज छिपी हुई है। मान्या की खबर मिलने के पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मान्या की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को टिप दी थी क्योंकि वो मान्या से फ्री होना चाहती थी। कुछ समझते हैं कि उसे दाऊद ने फोर्स किया था पुलिस को खबर देने के लिए, और कुछ का मानना है कि दाऊद ने खुद किसी इन्फॉर्मर के थ्रू खबर लीक करवाई थी। इन एनी केस, दाऊद के इन्वॉल्वमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पेशन निकल कर आता है। एक और कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि मान्या सुर्वे को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल, जिसे सायन हॉस्पिटल भी कहते हैं, वो अंबेडकर कॉलेज से सिर्फ 5-7 मिनट की दूरी पर है, लेकिन मान्या को हॉस्पिटल पहुंचने में पुलिस को आधे घंटे से भी ज्यादा लगा। पुलिस नहीं चाहती थी कि मान्या इस एनकाउंटर से जिंदा बचे, इसलिए जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा तब तक वो मर चुका था। वडाला में हुआ ये पहला एनकाउंटर मुंबई पुलिस के नए चैप्टर की शुरुआत था। मुंबई पुलिस ने ठान लिया था कि अब किसी भी तरीके से जुर्म को मिटाना है। उनकी नई पॉलिसी थी बुलेट फॉर बुलेट। इसी के चलते मुंबई पुलिस की हिस्ट्री का सबसे खूंखार फेज शुरू हुआ। आए दिन किसी क्रिमिनल का एनकाउंटर हुआ करता था और हर प्रेस रिलीज की सेम कहानी होती थी। हम गए थे क्रिमिनल को अरेस्ट करने, उसने बचकर भागने के लिए हम पर फायरिंग स्टार्ट की, रिटेलिएशन में हमें उसे मारकर गिराना पड़ा। ये एनकाउंटर्स 1983 के बाद एक भयानक रूप ले चुके थे, जहां अंडरवर्ल्ड ही नहीं बल्कि आम जनता भी पुलिस से डरने लगी थी। उन्हें डर था कि मुंबई पुलिस उन्हें क्रिमिनल समझकर शूट ना कर दे, क्योंकि ऐसे केसेस भी सामने आ रहे थे, इनोसेंट सिविलियंस का क्रॉस फायर में आ जाना और कुछ सिविलियंस को क्रिमिनल समझकर एनकाउंटर कर देना। एक प्रोमिनेंट केस जिसने इस पुलिस एनकाउंटर की कॉन्ट्रोवर्सी को छेड़ा, वो था फेक एनकाउंटर केस ऑफ सदा पावले, जावेद पावला एंड विजय तांडे। इस केस में पुलिस पर एलिगेशन लगाए गए थे कि उनकी मिशन रिपोर्ट्स एविडेंस से मैच नहीं करती। उन्होंने इन तीनों को सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा, बल्कि ये पॉइंट ब्लैंक मर्डर्स थे। काफी टाइम तक ये केस चलता रहा, पर फाइनली इन एलिगेशंस को बेदखल कर दिया गया। इन एनकाउंटर्स में कुछ प्रोमिनेंट नाम जो सुनाई दिए वो थे प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर और प्रफुल भोसले। ये तीनों ही 1983 के सेम बैच में थे और इस बैच को किलिंग स्क्वाड कहा जाता था, क्योंकि इनमें से प्रदीप शर्मा ने अकेले ही 110 एनकाउंटर्स किए थे और विजय सालस्कर ने 60। पर क्या ये एनकाउंटर्स जस्टिफाइड थे? का मान्या का मारा जाना जस्टिफाइड था? एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट्स जिसने उस समय 78% स्कोर किया था, एक बड़ी बात हुआ करती थी। क्या उस आम स्टूडेंट का एक रॉन्गफुल अरेस्ट की वजह से वांटेड गैंगस्टर बनना जस्टिफाइड था? मान्या की मौत का जिम्मेदार कौन था? इस वीडियो को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बिग ब्रेन पर हम ऐसे धमाकेदार और मसालेदार किस्से आपके लिए लाते रहेंगे।